प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाकर जिस कूटनीति की नींव रखी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री शनिवार को बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने तमाम फैसलों से पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते बनाने के अभियान पर लगे हैं और बांग्लादेश यात्रा उसी का हिस्सा है। पीएम की यात्रा में दोनों देशों के बीच एक ऐसे समझौते पर दस्तखत होंगे जो इतिहास बदल सकता है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मुख्य फोकस दोनों देशों के बीच सीमा समझौते पर हस्ताक्षर पर रहेगा, जिससे भारत बांग्लादेश के बीच दशकों से चला आ रहा सीमा विवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत और बांग्लादेश के बीच सीमांकन और कुछ बस्तियों तथा भूमि क्षेत्रों के आदान प्रदान का रास्ता साफ हो जाएगा। भूमि की अदला बदली के तहत भारत बांग्लादेश को कुल 17,160 एकड़ क्षेत्र के 111 इलाके देगा, जबकि बांग्लादेश कुल 7,110 एकड़ क्षेत्र के 51 इलाके भारत को सौंपेगा। दरअसल भारत और बांग्लादेश की सरहद के दोनों तरफ हजारों ऐसे लोग रहते हैं जो किसी भी देश के नागरिक नहीं थे। ये लोग सरहद के दोनों तरफ 162 छोटे बड़े जमीन के ऐसे टुकड़ों पर रहते आए हैं जिनकी स्थिति समंदर में टापू जैसी है। इन्हें एनक्लेव कहा जाता है, जो है एक देश में लेकिन उन पर मिल्कियत दूसरे देश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन के टुकड़ों की अदला बदली सिर्फ नक्शे पर होने वाला कूटनीतिक समझौता ही नहीं है, समझौते के मानवीय पहलू भी हैं। समझौते के बाद हजारों लोगों को न सिर्फ परेशानियों से मुक्ति मिलेगी बल्कि उन्हें सुविधा के मुताबिक नागरिकता भी मिल जाएगी। यही वजह है कि ऐसे लोग यात्रा से काफी खुश हैं। हम प्रधानमंत्री की ढाका यात्रा का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समझौते के बाद 51,584 लोगों का सपना साकार होगा। आखिरकार हम आजाद होंगे। इनक्लेव के नागरिकों को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का सामना करना पड़ता था और हमें उम्मीद है कि अब ये नहीं होगा। মানুষেরা বসবাস করে সেখানে তীব্র মানবিক বিপর্যয় এবং মানবিক সংকটের সম্মুখীন সেখানকার মানুষেরা আমরা স্বাধীনতা पेते जाच्चे बाद चीट महले बंदी जीवन थे के मुक्ति पेते जाच्चे हमरा करीब 69 सालों के बाद इनक्लेव के बंटवारे से हम आखिरकार आजाद हो जाएंगे। करीब 52,000 लोगों को आजादी मिलेगी। हम तभी संतुष्ट होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समझौते को अंतिम रूप देंगे। जे निश्चित होबो जे चीट महल विनिमय प्रक्रियाटा जे हमरा मुक्ति पाबो चीट महले बंदी जीवन थे के। ये समझौता कितना अहम है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेश की यात्रा पर जा रही हैं। यात्रा के दौरान दोनों देशों के कनेक्टिविटी बढ़ाने, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। दोनों देशों की जनता के बीच आपसी रिश्तों को आवाजाही के जरिए मजबूत बनाने के लिए रेल, सड़क और जल मार्गों से संपर्क बढ़ाने सहित कई समझौते हो सकते हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और शेख हसीना ढाका होते हुए कोलकाता से अगरतला और ढाका शिलांग गुवाहाटी बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ये यात्रा न केवल 56 साल पुराने विवाद को खत्म करेगी बल्कि ये रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत होगी। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।